दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मस्त होने वाली क्योंकि आज हम बात करेंगे दो ऐसे गेम के बारे में जो अभी हाल फिलहाल ही एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए लॉन्च हुए हैं। ये दोनों गेम प्ले स्टेशन एंड पीसी में काफी ज्यादा फेमस है, शायद आपको पता होगा। इस वीडियो में आपको गुम्फू, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट के साथ साथ एक इंडियन एनवायरमेंट को भी देखने का मौका मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि डाउनलोड करना जरा सा ट्रिकी हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे गेमिंग वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, राजी द एंसेंट एपिक मोबाइल डिवाइसेस के लिए आ चुका है एंड शायद आपको पता ही होगा कि ये गेम कितना ज्यादा फेमस है क्योंकि ये गेम पूरा का पूरा इंडियन कल्चर पे बेस है। एंड इस गेम की एक अच्छी बात ये है कि गेम के बैकग्राउंड में दुर्गा माँ और विष्णु भगवान जो बोलते हैं वो चीज गेम को काफी ज्यादा मस्त बना देता है। इस गेम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देखने को मिल जाता है। और जिन लोगों को इस गेम के बारे में नहीं पता उन लोगों को बता दूं, ये गेम एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है एंड ये गेम 2020 में आ गया था प्ले स्टेशन, पीसी और एक्सबॉक्स के लिए। बट अब फाइनली इस गेम को हम अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हैं और ये पॉसिबल हो पाया है नेटफ्लिक्स की वजह से। शायद आपको पता ना हो कि नेटफ्लिक्स का अपना एक खुद का गेम कैटेगरी है जिसमें वो अपने खुद के गेम लॉन्च करता है। एंड अब बात करते हैं कि इस गेम को डाउनलोड करके खेला कैसे जाए। तो यार देखो, इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास नेटफ्लिक्स की आईडी होनी चाहिए, तब जाके आप इस गेम को खेल पाओगे। और इस गेम का टोटल साइज है 2GB। तो जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स आईडी है वो लोग इस गेम को काफी आराम से खेल सकते हैं। आपको इस गेम को गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इस गेम में आपको अपने नेटफ्लिक्स आईडी लॉगिन करनी है और बड़े आराम से इस गेम को प्ले करना है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गेम कोई डेमो नहीं है, ऑफिशियली नेटफ्लिक्स वालों ने इस गेम को एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए लॉन्च करा है। तो पहले इस गेम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस गेम का गेम प्ले एक्सपीरियंस कैसा रहेगा एंड कैसा होगा इस गेम का ग्राफिक्स एंड विजुअल और स्टोरी लाइन। एंड लास्ट में बात करेंगे कि इस गेम को डाउनलोड कैसे करा जाए। तो यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि एक गुम्फू मास्टर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक लेटर है एंड हमें दूसरे सीन में फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। और उसी समय हमारा जो करेक्टर होता है वो ऑटो रिक्शा से उतरता है, इस जगह आता है जहाँ पे फाइट हो रही होती है एंड यहाँ पे आके एक आदमी से बात करता है। एंड आप चाहो तो इस बातचीत को स्किप भी कर सकते हो। एंड बात की जाए इस गेम के रियल स्टोरी लाइन के बारे में, तो ये जो गुम्फू मास्टर वो साउथ के छोटे से मछुआरों के गाँव से होता है, लेकिन एक दिन इसके घर पे एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि इसका छोटा भाई किडनैप हो चुका है। और इस लेटर के आने के बाद से इस गुम्फू मास्टर की जिंदगी काफी चेंज हो जाती है एंड हमारा करेक्टर उस सिटी में आता है जहाँ पे उसका भाई किडनैप हुआ होता है। इस गेम में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिशन देखने को मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड बीच बीच में जो सिनेमैटिक सीन दिखाया जाता है मिशन के दौरान वो चीज गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। और बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो इस गेम के ग्राफिक्स एनवायरनमेंट एंड विजुअल क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त है। तो अब बात करते हैं इस गेम को डाउनलोड कैसे करें। तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गेम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे गेमिंग वीडियो देखने के लिए।